हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे फीचर के बारे में जिससे आप आईफोन 6s, आईफोन 7, आईफोन 8 और आईफोन 5s पर यूज़ कर आप भी आईफोन X जैसा पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हैं। गाइस, जैसे आपको पता ही है कि आज के इस टाइम में पोर्ट्रेट मोड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। हर एक फ़ोन में आजकल पोर्ट्रेट मोड आता ही है, पर आईफोन जो पुराने यूज़र्स हैं, कईयों के पास जो आईफोन 6s है, कईयों के पास 5s है, वो पोर्ट्रेट मोड का न्यू यूज़ नहीं कर सकते। बट अब जो है ऐप जो डेवलपर्स हैं वो हमारे पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसी ही एक ऐप आपके लिए लेकर आया हूँ जो इसका नाम है फोकस। ये जो ऐप है वो आईफोन X जैसा पोर्ट्रेट मोड आपके आईफोन 6s, 5s, 7, 8 पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं हम इसके ऐप के बारे में। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि आज के इस टाइम में पोर्ट्रेट मोड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। हर एक फ़ोन में आजकल पोर्ट्रेट मोड यूज़ करते हैं। हर एक पर्सन पोर्ट्रेट मोड से ही फ़ोटो खिंचाना चाहता है। बट कई जो फ़ोन है, जैसे आईफोन 6s है, आईफोन 5s है, आईफोन 8 और 7 है, इसमें आप पोर्ट्रेट मोड फ़ोटो नहीं खींच सकते। बट जिसकी कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी फ़ोन से अच्छी आती है। तो गाइस, एप्पल के जो डेवलपर्स हैं, जो ऐप डेवलप करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है फोकस। फोकस एक ऐसी ऐप है जो ऐप स्टोर में ऐप ऑफ द डे में रही है। तो जो ये ऐप है, पहले जो ये ऐप थी, प्रीवियस वर्जन जो इस ऐप का था, वो पहले आईफोन 7 प्लस, 8 प्लस और X में चलता था, जिसके ड्यूल कैमरा थे। बट इस बार इसने एक बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है जिसे आप सिंगल कैमरे में भी इस पोर्ट्रेट मोड का मज़ा उठा सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अब इस ऐप के बारे में। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके पास आईफोन 5s है, आईफोन 6 है, आईफोन 7 और 8 है, वो भी पोर्ट्रेट मोड का अच्छे से मज़ा उठा सके। तो गाइस, बढ़ते हैं हम ऐप की तरफ। ये जो फोकस ऐप है, पहले क्या होता था कि आप इसमें से आप कोई भी फ़ोटो यूज़ नहीं कर सकते थे। बट अब गाइस, इसमें फीचर आया है ऑल फोटोज़ का। ऑल फोटोज़ में जाकर आप सिर्फ सिंगल क्लिक कैसे करेंगे तो ये कैलकुलेटिंग कुछ करेगा। और जैसे आप गाइस देख सकते हैं, इसने बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्यूरेटिव ब्लर मार डाला है। नीचे से फोकस भी नहीं ब्लर किया है, क्योंकि जो कोई ऐप्स होती हैं वो फोकस सिर्फ पर्सन को करती है, बाकी सब ब्लर कर देती है। बट ये जो ऐप है वो सिर्फ पर्सन को ही नहीं ब्लर कर रही, पर्सन को ही नहीं फोकस कर रही, नीचे के सरफेस को भी फोकस कर रही है। और गाइस, इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। आप इसके इस शेप को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास पीछे ट्रीज हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं इसमें बुके इफेक्ट जैसा फील आती है। और इसमें आप ब्लर को भी एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप जब कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। और इसमें आप लाइटनिंग हाईलाइट्स फीचर आते हैं, कोई मिंट्स फीचर आते हैं। और गाइस, इसके लेंसेज के भी कोई फीचर्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लेंसेज, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेंसेज आते हैं जिससे आपका ब्लर का इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक्यूरेटिव हो जाता है। कुछ जूम इफेक्ट आता है, कोई वगैरह वगैरह काफ़ी लेंसेज आते हैं। बट ये जो चीज़ है वो पेड है। और इसमें कोई लाइटनिंग के फीचर्स भी आते हैं, जैसे आप लाइटनिंग को एडिट करना चाहते हैं, सनलाइट वगैरह, आप पूरा एडिटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ इसको कर सकते हैं। आप लाइट कहाँ पर चाहते हैं, कहाँ कर नहीं करना चाहते हैं। और इसमें जो अगला फीचर है वो इफेक्ट्स का है। आप जैसे देख सकते हैं कि आप नीचे के सरफेस को ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं या दूर के सरफेस, थोड़ा दूर ब्लर चाहते हैं, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका ब्लर कहाँ से स्टार्ट हो, बैक बुके और फर्स्ट बुके। और इसमें आप बॉल को सैचुरेशन वगैरह को सब आप हर एक चीज़ को एडिट कर सकते हैं, पर कई चीज़ें लॉक है, प्रोफेशनल आपको बाय करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको आते हैं कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ आप कैसे जाते हैं, ब्लर कहाँ कहाँ जाते हैं, ब्रशेस आते हैं, रेज आते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोटो को क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। ये जो गाइस ऐप है वो काफ़ी अच्छी है। आपको मैं एक और फ़ोटो एडिट कर दिखाता हूँ। ये भी कुछ कैलकुलेटिंग कर रहा है। जैसे कि गाइस देख सकते हैं आप, इसने बहुत ही अच्छा ब्लर किया है, नीचे से सरफेस ब्लर नहीं किया है, क्योंकि ये जो ऐप है वो पहले जो ऐप ये यूज़ होती थी सिर्फ ड्यूल कैमरा के तरफ से होती थी। बट ये जो हम ऐप है वो सिंगल कैमरा में भी अच्छे से बिल्कुल फाइन वर्क करती है। और वही सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह।
तो गाइज ये जो ऐप है वो ऐप स्टोर में बिल्कुल ही फ्री है, कोई पेड ऐप नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल पेड ऐप नहीं है, एकदम फ्री ऐप है वो। आप जब कोई ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और नीचे इन्होंने गाइस साफ साफ बताया है कि आप इस ऐप को अब ऑल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई बड़ा फ़ोन की। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और शेयर उनके साथ जरूर करना जो कि आईफोन 5S 6S को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो गाइस मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। I think we made of something.